हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लखनऊ में पुलिस की गोली से हुई युवक की मौत पर बोले सीएम योगी, कहा नहीं है इनकाउंटर, घटना के आरोपियों को नहीं जाएगा बख्शा, जरूरत पड़ी तो होगी सीबीआई जांच। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के 49वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह का हुआ समापन। योगी ने कहा राम राज लाने के लिए समाज को आना होगा आगे, तभी होगा देश का विकास। सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरी वर्षगांठ पर बोले सीएम योगी, कहा सर्जिकल स्ट्राइक भारत के जाबाज जवानों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। लखनऊ गोली कांड पर आक्रोशित सपा छात्र सभा ने किया मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंकने का प्रयास, पुलिस की मुस्तैदी से नहीं मिली सफलता। निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद का अल्ट्रा आक्यूलर लेंस ऑपरेशन शिविर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन, कहा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित है प्रदेश की सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित किया गया पराक्रम पर्व पर कई कार्यक्रम। गंभीर बीमारियों के तत्काल इलाज के लिए टाटा ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए मेडिकल ट्रीटमेंट वाहन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का हो सकेगा तत्काल इलाज। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला टास्क फोर्स की बैठक, 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले दस्तक 3 के शत प्रतिशत सफलता के लिए दिए निर्देश। अवर अभियंता द्वारा मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन ने दिया धरना, वहीं दूसरी तरफ अवर अभियंता संघ के अध्यक्ष ने किया पलटवार, कहा जल्द ही दलालों के आतंक से विद्युत उपकेंद्र को कराया जाएगा मुक्त। अपर नगर आयुक्त के निगरानी में महानगर में विभिन्न स्थानों से हटाया गया अतिक्रमण। पैनासोनिक कंपनी ने अपने कैमरों को लेकर कार्यशाला का किया आयोजन। 12 सूत्रीय मांग को लेकर उपवास पर बैठे अवर अभियंताओं का राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष ने जूस पिलाकर खत्म कराया 48 घंटे का उपवास। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन में मचा घमासान, एसोसिएशन के 2 फाड़ होने की आशंका, आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के अंतर संकाय बास्केटबॉल प्रतियोगिता की ट्रॉफी पर पुरुष वर्ग में विज्ञान संकाय और महिला वर्ग में कला संकाय ने किया कब्जा।